अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 1। तो मेरे पास ये बुक 3 है जिसको हम D3 भी बोलते हैं, और उसका ये मेरे पास अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास है इस वक्त। इसका जो प्रीवियस एडिशन था उसमें यहाँ पर डिफरेंट चैप्टर मौजूद था, मैंने इसके प्रीवियस एडिशन के भी सोल्यूशन कवर किए हुए हैं, वो मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में अवेलेबल हैं। तो इस चैप्टर का नाम है फर्दर एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए, ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से मिल सके। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक पेज का लिंक भी मिल जाएगा, आप इस फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो इसके स्टेटमेंट मैंने नीचे नोट डाउन कर लिए, वहीं से इसको समझते हैं और इसके सारे पार्ट्स को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट भी लिखी हुई नजर आ रही है और ए से लेके डी पार्ट्स जो इसमें गिवन है वो भी लिखे हुए नजर आ रहे हैं। हम पहले इसकी स्टेटमेंट समझेंगे और फिर ए पार्ट से जो है स्टार्ट करेंगे। तो यहां पे लिखा हुआ है फाइंड अ फॉर्मूला फॉर द जनरल टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। वो हमसे कह रहे हैं कि ये जो नीचे आपको ए से लेके डी तक सीक्वेंसेस दिए गए हैं, इन सीक्वेंस के जनरल टर्म का फॉर्मूला फाइंड आउट करके दिखाएं। यानी आपने बेसिकली इन इस क्वेश्चन के अंदर जस्ट इन सीक्वेंस के जनरल टर्म का फॉर्मूला फाइंड आउट करके दिखाना है। अब सीक्वेंसेस क्या होते हैं, जनरल टर्म किसको बोलते हैं और उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये तीनों चीजें पहले आपको समझनी पड़ेंगी, जिसको मैं शॉर्टली यहां पे जो है डिस्क्राइब करूंगा ताकि आपके लिए इस क्वेश्चन को समझना आसान हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखें, ए पार्ट मैंने आपके सामने लिख दिया, ये एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस किसको बोलते हैं कि जब कोई टर्म्स कोई खास रूल फॉलो कर रही होती हैं, कोई खास पैटर्न फॉलो कर रही होती हैं, उस तरह की टर्म्स को मिलाकर हम बोलते हैं कि जी ये एक सीक्वेंस है। जैसे ए पार्ट में ये सीक्वेंस लिखा हुआ है, इसमें टर्म्स किसको बोलते हैं जो कॉमर्स के जरिए सेपरेट करके लिखी गई होती है। जैसे आप कॉमर्स से पहले देखें 7 ये पहली टर्म है, इसके बाद 13 ये दूसरी टर्म है, ये 19 ये तीसरी टर्म है, और इसी तरीके से चौथी और ये पांचवी टर्म है, इनको टर्म्स बोलते हैं। अगर इन टर्म्स के दरमियान कोई आपको पैटर्न फॉलो होता हुआ नजर आए, कोई रूल फॉलो होता हुआ नजर आए, जिसका मतलब ये होता है कि आपको समझ आ जाए कि किस तरीके से ये सीक्वेंस बिहेव कर रहा है, किस तरीके से ये सीक्वेंस चल रहा है, इसमें कौन सा नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करके अगली टर्म मिल जाती है, इसी को उसका रूल बोला जाता है। तो इस जब आपको ये चीज मिल जाए, कोई रूल पैटर्न नजर आ जाए, तो फिर इन्हीं टर्म्स को जो इस तरह लिखी हुई होती है कॉमर्स के जरिए सेपरेट करके, इन्हीं को हम सीक्वेंस बोलते हैं। तो सीक्वेंस की डेफिनेशन तो आपको क्लियर हो गई होगी। अब है जनरल टर्म किसको बोलते हैं। जनरल टर्म का मतलब होता है कोई भी टर्म, जिस तरह आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ए पार्ट में 1, 2, 3, 4, 5 टर्म्स आपको लिख के दी हुई हैं। अगर आपसे कोई कहे कि इस सीक्वेंस की लाइक लेट से 100th टर्म निकाल के दिखाए, तो आपके लिए जाहिर बात है दो ऑप्शंस हो गए कि या तो आप पहले इसका रूल समझे और इसको पूरा लिखे और 100 टर्म तक जाए, या फिर आपके पास दूसरा रूल होगा जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आप इसके जनरल टर्म का फॉर्मूला निकाल लें, जिसकी मदद से आप आसानी से बता सकते हैं कि इसकी 100th टर्म क्या होगी। तो जनरल टर्म इसी को बोलते हैं कि आपको किसी भी सीक्वेंस की कोई भी टर्म निकालनी हो तो वो उस फॉर्मूले से निकला है जो कि कहलाया जाता है उसके जनरल टर्म का फॉर्मूला। उस टर्म को हम जनरल टर्म बोलते हैं, यानी कोई भी टर्म जनरल टर्म, और उसके फॉर्मूले को जिसकी मदद से आप सीक्वेंस की कोई भी टर्म बता सकते हैं उसको हम बोलते हैं जनरल टर्म का फॉर्मूला या फॉर्मूला फॉर द जनरल टर्म। तो उम्मीद है आपको सीक्वेंस भी क्लियर हो गया होगा और जनरल टर्म ऑफ फॉर्मूला क्या होता है वो भी क्लियर हो गया होगा। अब ए पार्ट को करना कैसे है और किसी भी सीक्वेंस का जनरल टर्म का फॉर्मूला कैसे निकालना है। तो देखें, अब आपको सामने स्क्रीन पर ये ए पार्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है, अब हम इसको स्टार्ट करने लगे हैं इसके सॉल्यूशन को। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि जो भी आपको सीक्वेंस लिखा हुआ होगा उसकी तमाम टर्म्स को नीचे नोट डाउन करना है और उसको लेबल करना है उनके टर्म नंबर के लिहाज से। कैसे, आप सबसे पहले लिखेंगे आपकी जो पहली टर्म है वो है 7, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 7 और उसके ऊपर आपने इस तरीके से मैंशन कर देना है कि ये आपकी टर्म नंबर 1 है, जिसको आप कब पढ़ा करेंगे T1 यानी टर्म नंबर 1। इसके बाद आपने लिखना है उसकी अगली टर्म जो कि है 13 आपको ऊपर नजर आ रही है, इसको आपने इस तरीके से मेंशन कर देना ये आपकी टर्म नंबर 2 है T2, इसको पढ़ेंगे T2। आगे आपके पास इसकी तीसरी टर्म है, थर्ड टर्म है जो कि 19 है, इसके ऊपर आपने इस तरीके से मेंशन कर देना है T3 यानी टर्म नंबर 3। और उसके बाद आपकी फोर्थ टर्म है जो कि 25 है, तो इस पे आपने इस तरीके से एरो हेड डाल के लिख देना है कि ये आपकी फोर्थ टर्म है यानी T4। और आपका फिफ्थ टर्म जो गिवन है वो 31 है, इसके ऊपर इस तरीके से एरो डाल के लिख देना है T5 यानी फिफ्थ टर्म, और कॉमा डालना है और आगे इस तरीके से डॉट 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 डाल देना है। इसका मतलब है ये इसी तरीके से सीक्वेंस आगे चलता जाएगा। अब ये जो पहली टर्म है आपने इससे पिछली टर्म भी निकालनी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब भी हमने किसी सीक्वेंस का जनरल टर्म फॉर्मूला निकालना हो, तो इसलिए आपको ये भी निकालनी पड़ेगी। अब इससे 7 से जो पिछली टर्म होगी इसको रिप्रेजेंट किस तरह करना है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे T0 से। इसको T0 भी कुछ पढ़ते हैं, कुछ लोग T0 भी पढ़ते हैं, इसका मतलब यही होता है कि पहली टर्म से पहले वाली टर्म यानी पहली टर्म से पिछली टर्म आप भी कह सकते हैं 7
7 से पहले वाली टर्म, इसको आप टी नॉट पढ़ लें टी जीरो पढ़ लें, लेकिन रिप्रेजेंट ऐसे ही करना है। और हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो टर्म है ना वो कोई सी है, सी का मतलब कोई कांस्टेंट है, इसको आप इस तरह समझ लें। अभी हमें ये मालूम नहीं है, हमें ये मालूम करनी पड़ेगी। अच्छा, जब आप ये सारा लेबल वगैरह कर लेंगे, सीक्वेंस को इस तरह लिख लेंगे, अब आपने इस सीक्वेंस के अंदर पैटर्न तलाश करना है, रूल तलाश करना है, यही आपको मदद करेगा इसका जनरल टर्म का फॉर्मूला बनाने में। अब पैटर्न रूल क्या होता है, कोई ऐसी चीज़ आप कोई ढूंढ लें कि जिससे आपको समझ आ जाए कि हर टर्म में कोई खास नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई या डिवाइड करके अगली टर्म बनाई जा सकती हो, वही उसका पैटर्न या रूल कहलाता है। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो हम एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो चेक कर सकते हैं, वो है इनके दरमियान गैप। हर सीक्वेंस के अंदर गैप डिफरेंट भी होते हैं, कुछ सीक्वेंस ऐसे हैं उनके गैप सेम रहते हैं, उन्हीं सीक्वेंस को हम अर्थमेटिक सीक्वेंस बोलते हैं। हम अक्सर औकात ये वाले सीक्वेंस को चेक करते हैं कि क्या हमारे पास जो सीक्वेंस दिया हुआ है वो अर्थमेटिक है या नहीं है। अगर वो अर्थमेटिक ना हो, कोई और हो, तो फिर उसके लिए उसकी चेकिंग अप्लाई करते हैं, लेकिन स्टार्ट ऐसे ही करते हैं कि हम सबसे पहले उनका कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो कॉमन डिफरेंस किस तरीके से निकाला जाता है, अब ये बात इंपॉर्टेंट है। आपने क्या करना है, हर अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस करना है। यानी जिस तरह आप देखें पहली टर्म 7 है, दूसरी टर्म 13 है, तो आपने अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस करना है, तो आप उसी को बोलेंगे डिफरेंस। और अगर वो डिफरेंस सेम रहा तो उसको बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। तो हम यहां पे पहले कॉमन डिफरेंस ही के तौर पे हेडिंग के तौर पे लिखेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि इसका डिफरेंस सेम ही होगा। आप भी मैं आपको इसको चेक करके भी जस्टिफाई करके भी दिखाऊंगा। तो कॉमन डिफरेंस का मतलब ऐसा गैप जो तमाम टर्म्स के दरमियान एक जैसा रह रहा हो। निकालने का क्या तरीका है कि हर अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस करें, यानी 13 में से पिछली टर्म 7 माइनस करें। तो हम यहां पे लिखेंगे 13 और उसमें से क्या माइनस कर देंगे, 7 माइनस कर देंगे। अब 13 माइनस 7 का जो आपके पास आंसर आएगा यही आपका कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। तो 13 माइनस 7 कितना होता है, वो होता है 6। तो आपको पता चला कि 7 और 13 में 6 का गैप है। ओके, अब आपने आगे भी चेक करना है कि क्या ये वाकई में कॉमन डिफरेंस ही है, मतलब ऐसा तो नहीं कि कहीं पर डिफरेंस चेंज हो जाता है। तो इसको भी चेक करके आप देख सकते हैं, इससे अगली टर्म यानी 13 से अगली टर्म 19, इसको इसकी पिछली टर्म से माइनस करके देख सकते हैं। आप यहां पे लिखें 19 माइनस 13 तो वो भी कितना आता है, वो भी 6 होता है। इसी तरह आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, 19 से अगली टर्म 25, तो आप 25 में से उसकी पिछली टर्म यानी 19 माइनस करके देखें तो भी गैप कितना आता है, 6। तो इससे पता चला कि इन सब के दरमियान में जो गैप है वो एक जैसा ही है, वो कितने कितने का है, 6-6 का है। तो जब आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि हर दो टर्म्स के दरमियान गैप सेम है, तो उसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। यानी इनका कॉमन डिफरेंस क्या है, 6। और ऐसा सीक्वेंस जिसके अंदर कॉमन डिफरेंस मौजूद हो, यानी ऐसा डिफरेंस मौजूद हो जो चेंज ना हो रहा हो, सेम रह रहा हो, ऐसे सीक्वेंस को ही हम बोलते हैं अर्थमेटिक सीक्वेंस। तो इससे आपको ये बात भी क्लियर हो गई कि हमारे पास ये बेसिकली एक अर्थमेटिक सीक्वेंस मौजूद है। ये खास किस्म का सीक्वेंस होता है जिसमें आपको हमेशा कॉमन डिफरेंस मिलता है। अच्छा जी, अब जब ये आपने कर लिया तो अब आपने ये देखना है कि टर्म्स बन कैसे रही हैं। तो जो गैप आपको मिल रहा होता है ना, अक्सर औकात इसी को ऐड करके अगली टर्म मिल रही होती है। वैसे भी आप देख सकते हैं ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, हर अगली टर्म पिछली टर्म से बड़ी है। जो 13 है वो 7 से बड़ा है, 19 जो है वो 13 से बड़ा है, 25 19 से बड़ा है, 31 उससे पिछली टर्म 25 से बड़ा है, यानी इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो ऐसे केस में हर पिछली टर्म में अगर आप डिफरेंस ऐड कर लेंगे अर्थमेटिक सीक्वेंस के केस में, तो आपको अगली टर्म मिलेगी। और आप ये करके भी देख सकते हैं कि अगर आप 7 में 6 को ऐड करें तो 7 प्लस 6 कितना होता है, 13, आपको अगली टर्म मिल जाएगी। तो इसी तरीके से आगे करते जाएं, 13 में 6 ऐड करें तो क्या मिल जाएगा, 19। तो वाकई में ऐसा ही है, 13 में 6 ऐड करें तो क्या मिलता है, 19। और आगे आप खुद चेक कर सकते हैं, 19 में 6 ऐड करें 25, 25 में 6 ऐड करें तो 31। तो इसका मतलब है इन हर टर्म में हर पिछली टर्म में ये कॉमन डिफरेंस ऐड करने से अगली टर्म मिल रही है, तो इसका रूल भी क्लियर हो गया। तो अब आपको जब इनका रूल पता चल गया कि हर पिछली टर्म में 6 ऐड करने से, यानी इस डिफरेंस को ऐड करने से अगली टर्म पता चल जाती है, तो आपने इससे पिछली टर्म यानी टर्म नंबर 1 से जो पिछली टर्म है जिसको टी नॉट आप पढ़ लें टी जीरो पढ़ लें, जिसका नाम मैंने सी रखा हुआ है, तो ये भी फाइंड आउट कर लेनी है। तो जब इस तरह का सीक्वेंस हो कि एक जैसा नंबर ऐड करने से अगली टर्म्स मिल रही हो, तो पिछली टर्म निकालने के लिए वही नंबर माइनस करना पड़ता है। यानी अगर आपने यहाँ पर निकालना है, मैं यहाँ पर लिखूँगा टर्म बिफोर टी वन, अगर आपने ये वाली टर्म निकालनी है जो कि टी वन से पहली है, जिसको हम कह रहे हैं टी नॉट या टी जीरो, और वो बेसिकली किसके बराबर है, सी के बराबर है, सी के इक्वल है क्योंकि उसका नाम सी रखा हुआ है, तो उसको निकालने का क्या तरीका होगा ऐसे केस में, कि आपने पहले टर्म नंबर 1 लिखनी है जो कि कितनी है, 7, और उसमें से जो आप डिफरेंस निकालते आ रहे हैं वो माइनस कर देना है जो कि है 6। यानी 7 माइनस 6 आपने करना है, तो 7 माइनस 6 करें तो कितना होता है, वो होता है 1। तो आपको ये पता चल गया कि आपकी जो ये सी है ये बेसिकली क्या है, 1, और ये जस्टिफाई भी होती है। 1 में आप 6 ऐड करें 7 बन जाता है, अगली टर्म मिल जाती है, यानी डिफरेंस ऐड करने से
टर्म अगली बन रही है, तो रूल एक जैसा ही रह रहा है, कहीं पे चेंज नहीं हो रहा। तो जब आप कॉमन डिफरेंस भी निकाल लेंगे और ये टी वन वाली टर्म यानी टर्म बिफोर टी वन भी निकाल लेंगे, अब आप जनरल फार्मूला जो है आसानी से लिख सकते हैं। अब आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन है जनरल फार्मूला को लिखने के लिए। बन इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि किस तरीके से चीज़ों में ऐड करके अगली टर्म्स बन रही हैं, किस तरह पिछली टर्म माइनस करके बनानी है, ये चीज़ें आपके जहन में रहनी चाहिए। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे जनरल टर्म फार्मूला, जनरल टर्म फार्मूला। और जनरल टर्म जो होता है किसी भी, जनरल टर्म फार्मूला जो होता है किसी भी सीक्वेंस का, उसको रिप्रेजेंट करते हैं टी एन से, यानी एंथ टर्म। अब इसको बनाने का तरीका क्या है, अब आपने ये जहन में रखना है। सबसे पहले आपने डिफरेंस को लिखना है, डिफरेंस कितना था 6, आप लिखेंगे 6। इसके साथ हमेशा n मल्टीप्लाई कर देना है, या आप कह लें n लिख देना है, यानी ये बन गया 6n। और इसमें हमेशा ये जो आपने t1 फर्स्ट टर्म निकाली थी जिसको आपने c का नेम भी दिया था 1, वो आपने ऐड कर देना है, तो ये हो जाएगा 6n+1। तो ये है हमारे सीक्वेंस का जनरल फार्मूला, और आप इसको चेक भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसकी ये पहली टर्म 7 निकालना चाहते हैं, तो आपने जस्ट क्या करना है, n की जगह पे 1 पुट कर देना है, तो 6 1 टाइम 6 हो जाएगा, 6+1 क्या आ जाएगा 7, तो देखिए आपको पहली टर्म 7 मिल जाएगी। तो इस फार्मूले का यही फायदा होता है कि इसमें आप n की जगह पे कोई भी वैल्यू पुट करते जाएं और आपको उस सीक्वेंस के अंदर टर्म्स मिलती जाएंगी। अगर आप 50th टर्म चाहते हैं तो n की जगह पे 50 पुट कर दें, वो आपको जल्दी से बता देगा कि इस सीक्वेंस में 50th टर्म कितनी बनेगी। तो इस तरीके से आपने जनरल टर्म फार्मूला फाइंड आउट करना है। तो आइए अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर बी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो इस सीक्वेंस के अंदर भी जो टर्म्स मौजूद हैं, आपने सबसे पहले इनको लेबल कर देना है अपने टर्म नंबर के लिहाज से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे, जो हमारी सबसे पहली टर्म है वो -4 है, और इसके ऊपर हम लिख देंगे T1 यानी पहली टर्म। इसके बाद नेक्स्ट टर्म हमारे पास -1 है, उसके ऊपर लिख देंगे T2 यानी टर्म नंबर 2। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टर्म है 2, इसके ऊपर लिख देंगे T3 यानी टर्म नंबर 3। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टर्म है 5 जो कि चौथी टर्म बनती है, तो इसलिए इसके ऊपर लिखेंगे T4। और इसके बाद जो फिफ्थ टर्म है, पांचवी टर्म, वो 8 है, इसके ऊपर हम लिखेंगे इस तरीके से T5 यानी फिफ्थ टर्म। और आगे कॉमा डालेंगे और डॉट डॉट डॉट, यानी ये सीक्वेंस इसी तरीके से चल रहा है। क्योंकि हमें T1 से पिछली वाली टर्म भी चाहिए, तो हम उसके ऊपर लिखेंगे T0 या T0 आप पढ़ लें, यानी वो वाली टर्म जो T1 से पहले आती है। और इसका नाम मैं खुद से कंसिडर कर रहा हूँ सी, यानी कोई ना कोई कॉन्स्टेंट सी यहाँ पर आएगा, ये अभी सी हमने निकाल कर दिखाना है। तो जब आप ये सब कुछ लिख लेंगे, आपने अभी सीक्वेंस को पहचानना है कि ये सीक्वेंस किस टाइप का सीक्वेंस है। क्या ये ऐसा सीक्वेंस है कि जिसमें कॉमन डिफरेंस मौजूद है, यानी हर दो नंबर्स का, हर दो टर्म्स का गैप एक जैसा है या नहीं है। क्योंकि पिछले टर्म यानी जो पिछला हमने ए पार्ट किया उसके अंदर तो हमें ऐसा ही सीक्वेंस मिला है जिसके अंदर हर दो टर्म्स का गैप एक जैसा था, जिसकी वजह से उसको अर्थमेटिक सीक्वेंस कहते थे। तो अगर आप नोटिस करें, ये एक तरह का इंक्रीजिंग सीक्वेंस ही है, हर अगली टर्म जो है आपके पास वो पिछली टर्म से बड़ी है। अगर आप नोटिस करें, पहली टर्म -4 थी, उसके बाद टर्म बढ़ के -1 हो गई, -1 से बढ़ के वो 2 हो गई, 2 से बढ़ के वो 5 हो गई, और 5 से बढ़ के 8 हो गई, यानी इंक्रीज कर रही हैं वैल्यूज। अब इस तरह के सीक्वेंस के अंदर आपको कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। कॉमन डिफरेंस का निकालने का मतलब है आपको चेक करना पड़ेगा कि इनके अंदर एक जैसा डिफरेंस मौजूद है कि नहीं है, और उसका मेथड मैंने आपको अभी बता दिया। आपने क्या करना है कि अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस कर देना है इंक्रीजिंग सीक्वेंसेस के केस में। तो आइए पहले कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, क्योंकि वही आपको हेल्प करेगा इसका जनरल फॉर्मूला लिखने में। तो हम ये चेक करते हैं कि कॉमन डिफरेंस जो हम निकाल रहे हैं, क्या वाकई में ये कॉमन है या नहीं है, यानी सब में इसी तरह मौजूद है या नहीं है। तो उसके लिए पहले एक को निकाल के देखना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस कर देंगे, या यूं भी कह सकते हैं समझने के लिए, बड़ी टर्म में से छोटी टर्म को माइनस कर देंगे। तो आप लिख दें -1 --4। तो देखिए सबसे पहले ये -1 लिखा, बीच में माइनस का साइन डाला, और पिछली टर्म -4 थी उसको इस तरह ब्रैकेट्स में डाल दिया। सॉल्व करें तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस 4 वैसे ही, और आगे भी आपको सॉल्व करना आता है, प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में से 1 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 3। तो आपको पता चला इन पहली दो टर्म्स का जो गैप है, जो डिफरेंस है, वो 3 है। अब बस ये चेक करना है कि ये कॉमन है या नहीं है। कॉमन का मतलब क्या, बाकियों में भी इसी तरह है या नहीं। तो उसको भी हमें चेक करना पड़ेगा कि जो अगली दो टर्म्स हैं इनका गैप कितना है। इसका तरीका भी यही करें कि अगली टर्म में से पिछली टर्म, यानी 2 -1 से भी नेक्स्ट टर्म है, तो 2 में से माइनस करें इस पिछली टर्म को, यानी -1 को। तो कहने का मतलब है 2 में से माइनस करें पिछली टर्म को, यानी -1 को, इस तरीके से। तो अब आप इसको सॉल्व कर लें, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 1 कितना आता है 3। तो देखिए इधर भी गैप 3 है, और आप आगे भी चेक कर सकते हैं, 2 से अगली टर्म 5 है, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो भी आपको यही डिफरेंस मिलेगा 3। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा मैंने इसको कॉमन डिफरेंस क्यों कहा, क्योंकि ये सब में सेम है। तो अब आप लिख सकते हैं इन सब के डिफरेंस कितने आ रहे हैं, 3।
तो ये तो पता चल गया सब में गैप एक जैसा है। तो जब हर दो टर्म्स के दरमियान गैप एक जैसा हो, डिफरेंस एक जैसा हो, जिसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, तो ऐसे सीक्वेंस को हम बोलेंगे अर्थमेटिक सीक्वेंस। ये अर्थमेटिक सीक्वेंस ही है हमारे पास। अब बस ये चेक करना है कि रूल क्या लगा रहा है, यानी रूल फॉलो किस तरह हो रहा है, किस तरीके से हमें अगली टर्म मिलेगी। तो वो बड़ी क्लियर है, आपको -4 में ये वाला नंबर जो कि डिफरेंस के तौर पर निकाला है, ये ऐड करना पड़ेगा, तब आपको अगली टर्म मिलेगी। उसको आप टेस्ट भी कर सकते हैं। आप पहली टर्म लिखें -4 और इसमें जो डिफरेंस निकाला है वो ऐड कर दें, जिस तरह भी ए पार्ट में किया था, डिफरेंस को ऐड कर दिया था। तो -4 + 3 कितना होता है? प्लस माइनस माइनस, यानी माइनस करना है। 4 में से 3 माइनस करेंगे 1, साइन बड़ी वैल्यू का, यानी -1। तो देखें, जब आपने पहली वाली टर्म में से ये डिफरेंस को ऐड किया, यानी पहली टर्म में डिफरेंस को ऐड किया, तो आपको अगली टर्म मिल गई। अब इसी अगली टर्म में फिर डिफरेंस ऐड करके देखें कि आपको अगली टर्म मिलती है नहीं मिलती। तो -1 में जब आप दोबारा से डिफरेंस यानी 3 ऐड करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 3 - 1 2, तो 2 ही मिलेगा। तो देखिए अगली टर्म मिल गई। और 2 में 3 ऐड करेंगे क्या मिलेगा? 5। और 5 में 3 ऐड करेंगे क्या मिलेगा? 8। यानी हर पिछली टर्म में 3 ऐड करके अगली टर्म मिल रही है, इसलिए मैं यहाँ पे +3 + 3 लिख रहा हूँ। तो क्लियर हो गया, रूल भी पता चल गया, कॉमन डिफरेंस भी पता चल गया। अब पिछली टर्म निकाल लेते हैं जो कि जरूरी है, जिस तरह ए पार्ट में निकाली है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टर्म बिफोर T1, T1 से पहली वाली टर्म, जिसको आपने टर्म नंबर के लिहाज से देखें तो T0 या T0 कहा हुआ है, और उसकी वैल्यू को आपने क्या लेट किया हुआ है? C। तो इसलिए उसकी जगह पे आप C लिख रहे हैं। अब आपने इसको नीचे निकालना है, और मैंने आपको अभी पीछे पार्ट में तरीका बताया है कि जब भी इस तरह का आपके पास इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो और आपके पास डिफरेंस सेम हो, यानी कॉमन डिफरेंस मौजूद हो, तो पिछली टर्म निकालने के लिए वही डिफरेंस आपको सब्ट्रैक्ट कराना पड़ता है टर्म में से। यानी अगर आप -4 से पिछली टर्म चाहते हैं तो आपको ये डिफरेंस बेसिकली सब्ट्रैक्ट कराना पड़ेगा। डिफरेंस कितना है? 3। इसलिए यहां पे माइनस लिखा है कि 3 माइनस कराना पड़ेगा, यानी एक तरह का -4 में से माइनस कराना पड़ेगा इस नंबर को 3 को, ठीक है? तो तब आपको पिछली टर्म मिलेगी। तो आइए निकाल लेते हैं। यानी पहले आप लिखेंगे पहली टर्म जो कि है -4, और उसमें से माइनस कराना है किसको? डिफरेंस को, यानी 3 को। तो आप देखें माइनस माइनस क्या होता है? वो होता है प्लस। 4 + 3 कितना होता है? वो होता है 7। और साइन बड़ी वैल्यू का, तो 4 बड़ी वैल्यू, उसके पीछे आ जाएगा -7। तो आपको पता चल गया ये सी कितना है आपका, ये है -7। और इसको आप चेक भी कर सकते हैं, -7 में 3 ऐड करें यानी डिफरेंस ऐड करें तो आपको अगली टर्म मिलनी चाहिए। तो -7 में 3 ऐड करें तो -4, यानी अगली टर्म ही मिलती है, ठीक है? तो अब आपने जस्ट इसकी जनरल टर्म बता देनी है, वो बहुत आसान है, उसका तरीका भी बता चुका हूँ। तो आप लिखेंगे जनरल टर्म फार्मूला, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं TN से। TN मीन्स nth टर्म। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंस, वो कितना है? 3। इसको हमेशा n से मल्टीप्लाई कर देंगे, या आप कह लें इसके साथ n लिख देंगे, तो हम लिख देंगे n, और इसमें ऐड कर देंगे इस वाली टर्म को जो सी के तौर पे आपने निकाल ली, यानी -7। तो देखिए मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ -7। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें ताकि ये बेहतर दिखे। तो हो जाएगी TN इज इक्वल टू 3N, ब्रैकेट्स ओपन करें, प्लस माइनस माइनस और 7। तो इससे पता चला इस सीक्वेंस का जो जनरल टर्म का फॉर्मूला है वो है TN, यानी nth टर्म फॉर्मूला, दैट इज 3N - 7। अब आप इस n में जोन सी भी वैल्यू पुट करेंगे आपको सीक्वेंस में से कोई ना कोई टर्म मिलेगी। अगर आप पांचवी टर्म निकालना चाहते हैं, जस्ट n की जगह पे 5 पुट कर दें और इसको सॉल्व कर लें, आपको पांचवी टर्म मिल जाएगी। ये फायदा होता है जनरल टर्म का। तो ये हो गया हमारे पास इसका बी पार्ट, और उम्मीद है आपको ये समझ आएगा, और ये इसका जनरल टर्म फॉर्मूला है। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर सी पार्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो उम्मीद है अब आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो इस सीक्वेंस की भी तमाम टर्म्स को नीचे उतार कर इसको पहले लेबल करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास पहली टर्म मौजूद है 60, तो इसके ऊपर लिख देंगे T1, यानी ये हमारी पहली टर्म है, टर्म नंबर 1। अगली टर्म हमारे पास मौजूद है 67, तो इसके ऊपर लिख देंगे T2, यानी टर्म नंबर 2। अगली टर्म जो मौजूद है से, यानी थर्ड टर्म जो कि 74 है, तो इसके ऊपर इस तरीके से लिख देंगे T3, यानी टर्म नंबर 3। फोर्थ टर्म हमारे पास 81 है, तो इसके ऊपर इस तरीके से मेंशन कर देंगे T4, यानी फोर्थ टर्म। और फिफ्थ टर्म हमारे पास 88 है, तो इसके ऊपर इस तरीके से मेंशन कर देंगे T5। और इसके जो अगली वाली टर्म्स हैं वो डॉट 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 है, यानी वो इसी तरीके से आगे चल रही हैं। अब जब आप ये कर देंगे तो आपको जाहिर बात है T1 से पिछली वाली टर्म भी चाहिए, जिसको हम T0 पढ़ रहे हैं, या T0 भी आप पढ़ सकते हैं, यानी T1 से पहली वाली टर्म। तो इसका नाम हम खुद से लेट कर लेंगे, जिस तरह पिछले पार्ट्स में लेट किया, इसका नाम लेट कर लेंगे सी, यानी कोई ना कोई कॉन्स्टेंट होगा, सी होगा, जो अभी हम कैलकुलेट करेंगे। जब आप ये सब कुछ लिख लें, अब आपने सीक्वेंस के अंदर पैटर्न ढूंढना है कि आया के सीक्वेंस किस टाइप में बिलोंग करता है, किस कैटेगरी में बिलोंग करता है। इससे पहले जितने भी सीक्वेंसेज अभी पिछले पार्ट
पार्ट्स में गुजरे वो सबके सब अर्थमेटिक सीक्वेंस थे, उन सब के अंदर जो डिफरेंस था वो सेम था, यानी कॉमन डिफरेंस मौजूद था। तो यहाँ पे भी हम पहले यही चेक करेंगे कि क्या ये वाला सीक्वेंस भी तो वही अर्थमेटिक सीक्वेंस तो नहीं है। अगर हुआ तो फिर हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी इसका जनरल टर्म फॉर्मूला निकालने के लिए। तो अगर आप नोटिस करें ये भी जो आपके पास सीक्वेंस लिखा हुआ है इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, हर अगली टर्म पिछली टर्म से बड़ी है। 67 60 से बड़ा है, उससे अगली आप टर्म देखें 74 वो 67 से बड़ा है, 81 74 से बड़ा है, 88 81 से बड़ा है, यानी इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो ऐसे केस में कॉमन डिफरेंस किस तरह निकालते हैं, तो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन का मतलब है ऐसा डिफरेंस जो कि सेम हो। अभी मैं यहाँ पे इसको कॉमन डिफरेंस की हेडिंग दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपको जस्टिफाई करके दिखाऊंगा कि वाकई में ही ऐसा है। तो आप क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर लें, या आप यूँ कह सकते हैं कि अगली वाली वैल्यू में से पिछली वाली वैल्यू को माइनस कर दें, क्योंकि ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस का केस बनता है। तो 67 में से आप 60 को माइनस करेंगे, अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस करेंगे, तो आपके पास क्या आता है, 67 माइनस 60 कितना होता है, 7। तो अब बस आपने ये चेक करना है कि क्या ये डिफरेंस वाकई में कॉमन है, क्या बाकी दो टर्म्स में भी 7-7 का ही गैप है, क्योंकि पहली दो टर्म में तो 7 का गैप पता चल रहा है। तो उसके लिए सिंपल सा तरीका है कि इस दूसरी टर्म से जो अगली टर्म है यानी थर्ड टर्म, इन दोनों का गैप निकालें, यानी थर्ड का और सेकंड का। तो क्या निकालने का तरीका होगा, अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस करें। आप यहाँ पे करके देख सकते हैं कि 74 अगली टर्म है, उससे पिछली 67 है, तो इन दोनों को माइनस करें क्या आता है, 7 ही आता है। ओके, अब 74 से अगली टर्म देखें क्या है, 81, तो इन दोनों का निकालें, यानी 81 में से पिछली टर्म 74 माइनस करें, तब देखें गैप कितना आता है, 7, ये भी 7 ही आता है। तो इससे पता चला कि वाकई में इन सब के दरमियान 7-7 का गैप है, और आप यही कह सकते हैं कि इन सब के दरमियान कॉमन डिफरेंस मौजूद है, ऐसा डिफरेंस मौजूद है जो एक जैसा है, कॉमन है। अब ये बात तो क्लियर हो गई। अब समझना है रूल के टर्म्स फॉलो अप किस तरह हो रही हैं, यानी क्या चीज़ बेसिकली एड सब्ट्रैक्ट की जा रही है जिसकी मदद से अगली टर्म मिल रही है। अब वो बड़ा क्लियर आपको नजर आ रहा है कि 60 में 7 ऐड करने से अगली टर्म आएगी, तो आप लिख सकते हैं 60 प्लस 7 67 होगा, 67 में 7 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 74 होगा, 74 में 7 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 81 होगा, 81 में 7 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 88 होगा। जिससे ये बात क्लियर हो गई कि ना सिर्फ ये एक अर्थमेटिक सीक्वेंस है, और जब ये अर्थमेटिक सीक्वेंस बन गया तो ये बात ऑब्वियस हो गई कि इसकी पिछली टर्म में कोई ना कोई चीज़ ऐड या सबट्रैक्ट करवाकर आप अगली टर्म बना सकते हैं। तो जो यहाँ से क्लैरिटी मिल रही है कि वाकई में ऐसा ही हो रहा है कि अगर आप पहली टर्म में 7 ऐड करें तो आपको अगली टर्म मिलती है, और अगली टर्म में फिर दोबारा आप 7 ऐड करें तो आपको उससे अगली टर्म मिलती है। तो ये क्लियर हो गया कि हर टर्म में 7 ऐड करने से अगली टर्म मिल रही है। तो अब सारी बातें क्लियर हो गई। तो जब ये सारी बातें क्लियर हो गई, अब आप निकाल सकते हैं इस T1 से पिछली टर्म। तो मैं आपको बता चुका हूं अर्थमेटिक सीक्वेंस के केस में, ऐसे केस में जब आपके पास इस तरह इंक्रीजिंग सीक्वेंस लिखा हो, पिछली टर्म निकालने के लिए वही नंबर जो आप ऐड कर रहे होते हैं उसी को माइनस करना होता है। जिस तरह आप देखें 60 में आपने 7 ऐड किया तो अगली टर्म मिली ना, तो अब 60 से पिछली टर्म निकालने के लिए वही नंबर, वही डिफरेंस जो सेम है, जो कॉमन है, उसको माइनस करना पड़ेगा। तो हम किस तरह निकालेंगे, हम यहाँ लिखेंगे वो वाली टर्म जो हमें चाहिए, यानी टर्म बिफोर T1 जो कि T1 से भी पहले है, जिसका नाम T0 है, और उसको हमने किसके इक्वल रखा हुआ है, उसकी वैल्यू C के इक्वल रखी हुई है। वो किस तरह निकलेगी कि पहले टर्म लिखेंगे, टर्म नंबर 1 जिसके पीछे है वो 60, और उसमें से माइनस करेंगे, माइनस 7 लिख रहा हूँ, यानी माइनस करेंगे ताकि वो वाली टर्म मिल जाए। तो 60 में से क्या माइनस करेंगे, वो डिफरेंस जो कि कॉमन है, जो कि सेम है, तो वो आप करेंगे 7। हमेशा ऐसे ही करना पड़ेगा आपको इस तरह के केसेस में। तो अब आपको 60 में से 7 माइनस कर देना, तो कितना आ जाएगा, 53। तो जब ये सारी चीज़ें आप निकाल लें, अब आप जनरल टर्म फॉर्मूला बड़े आराम से लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जनरल टर्म फॉर्मूला, तो वो क्या होगा, उसको लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं टी एन से, यानी nth टर्म या जनरल टर्म। तो सबसे पहले लिखते हैं डिफरेंस, डिफरेंस कितना निकाला है, 7। इसको हमेशा n से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके आगे आप n लिख दें, इसका मतलब यही है 7n, यानी 7 मल्टीप्लाई बाय n। और इसमें हमेशा ऐड कर देना है ये जो आपने निकाला होगा टर्म बिफोर T1, यानी c की वैल्यू जो कि है 53। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी आपने इस सीक्वेंस के जनरल टर्म का फॉर्मूला निकाल लिया, वो है 7n+53। यानी अब आप इस n में कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो आपको सीक्वेंस में से ही कोई टर्म मिलेगी। तो ये हो गया हमारे पास इसका ये वाला पार्ट। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर डी पार्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो डी पार्ट में भी पिछले पार्ट्स की तरह करेंगे कि पहले इन तमाम टर्म्स को नीचे नोट डाउन करेंगे और इनको लेबल करेंगे इनकी टर्म नंबर के लिहाज से। यानी आप लिखें कि आपकी जो पहली टर्म है यानी टर्म नंबर 1 है वो 14 है, तो इसके ऊपर आप इस तरह मैंशन कर देंगे ये हमारी T1 है यानी टर्म नंबर 1 है। उससे अगली टर्म आपके पास 11 है तो आप इस पर मैंशन कर देंगे T2 यानी ये टर्म नंबर 2 है। उससे अगली टर्म आपके पास 8 है जो कि थर्ड टर्म बनती है, तो इसके ऊपर मैंशन कर देंगे T3 यानी थर्ड टर्म। अब इसके बाद आपके पास चौथी टर्म यानी फोर्थ टर्म 5 है, तो इसके ऊपर आप इस तरीके से लिख देंगे T4
और इसके बाद आपके पास फिफ्थ टर्म टू है, तो इसके ऊपर आप यहाँ पे लिख देंगे T5 यानी फिफ्थ टर्म, और इसके आगे तो टर्म्स नहीं है तो डॉट 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 यानी ये इसी तरह आगे चलेंगी। और टर्म नंबर वन से भी पहली टर्म आपको चाहिए उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं टी नॉट पढ़ लें या टी जीरो पढ़ लें, और इसका नाम हम खुद से लेट कर लेंगे, ये कोई टर्म सी होगी, ये भी हमें सी कैलकुलेट करना है। तो जब आप ये सारा कुछ कर लेंगे, अब आपने अगेन देखना है कि ये कौन सा सीक्वेंस है, किस टाइप का सीक्वेंस है। अभी तक जो पीछे हमने पार्ट्स किए हैं वो सब के सब अर्थमेटिक सीक्वेंस के थे, यानी ऐसा सीक्वेंस था जिनमें डिफरेंस सेम था या कॉमन डिफरेंस मौजूद था, हर दो नंबर्स का गैप एक जैसा था। तो यहाँ पर भी हम पहले यही चेक करेंगे कि क्या इस सीक्वेंस में भी ऐसा तो नहीं, तो अगर ऐसा हुआ तो फिर हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा इनका जनरल फॉर्मूला निकालना। तो कॉमन डिफरेंस किस तरह निकालते हैं, अभी तक जो निकालते आ रहे हैं वो है अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस करके, ठीक है। तो इस तरीके से हम कॉमन डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे, ये एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है याद रखिएगा, क्योंकि आप देखें यहां पर पहली टर्म 14 थी, फिर वो कम होकर 11 हो गई, कम होकर 8 हो गई, फिर 5 हो गई और फिर 2 हो गई उसकी टर्म, यानी डिक्रीज कर रहा है। तो यहां पे आपने इस चीज का ख्याल रखना है। तो अब आप इसका कॉमन डिफरेंस निकालें, तो मैं यहां पे मेंशन करूंगा कॉमन डिफरेंस। अब मैं इसको यहां पे कॉमन डिफरेंस बोल रहा हूं, लेकिन मैं भी आपको जस्टिफाई करके बताऊंगा कि ये डिफरेंस वाकई में कॉमन है, यानी सब में एक जैसा ही है। तो कैसे निकालेंगे, अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस कर दें। अगली टर्म क्या है 11, पिछली टर्म क्या 14, तो 11 में से 14 माइनस कर दे। ये पहली दो टर्म्स के लिहाज से भी कॉमन डिफरेंस निकाल रहा हूँ। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 14 में से 11 निकालें, आपको पता 3 आता है और साइन बड़ी वैल्यू का डालना पड़ेगा, तो 14 के पीछे नेगेटिव साइन है तो आपको लिखना पड़ेगा -3। यानी आप कह लें कि इधर हर दो टर्म्स के दरमियान में एक तरह का इतना गैप है, इतना डिफरेंस मौजूद है, ठीक है। अब आप इस गैप को दूसरे तरीके से भी समझ सकते थे, आप अगर 14 में से 11 माइनस करते तो 3 आता, तो आप कहते हैं कि 3 का गैप है। तो आप इन दोनों तरीकों से इसको, इस चीज़ को लेकर चल सकते हैं, दोनों तरीकों से कोई इशू नहीं है समझने में। अभी जो हम चीज़ फॉलो कर रहे हैं वो सारे पार्ट्स में एक जैसे ही फॉलो कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने चीज़ों को एक जैसा ही रखा है। तो 14 और 11 में जो गैप निकला वो निकला -3 का। अब आपने देखना है कि क्या अगली दो टर्म्स में भी इसी तरह है, अगर ऐसा है तो फिर इसको कॉमन डिफरेंस बोल सकते हैं। तो अगली दो टर्म्स का गैप किस तरह निकालेंगे, सेम पैटर्न से कि उससे जो अगली टर्म है उसमें से पिछली टर्म माइनस करें। 11 से अगली टर्म क्या है 8, तो आप 8 में से माइनस करेंगे पिछली टर्म जो कि 11 है, और आपको पता है प्लस माइनस माइनस होता है, 11 माइनस 8 3 ही होगा, साइन बड़ी वैल्यू का ही आएगा, यानी -3, तो ऐसा ही है। अब आप इससे भी अगली दो टर्म्स का डिफरेंस निकालें, यानी 8 से अगली क्या 5, तो 5 और 8 का गैप, तो आप लिखेंगे अगली में से पिछली, यानी 5 में से 8 माइनस करेंगे, तो आपको पता है 5 माइनस 8 भी कितना होता है -3, तो इधर भी -3 है। और ये भी आप चेक कर लें कि अगर आप 2 में से 5 माइनस करते हैं तो ये भी -3 है। तो इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि इन सब के दरमियान में गैप एक जैसा ही आ रहा है, कॉमन डिफरेंस की जो वैल्यू आप कैलकुलेट कर रहे हैं वो एक जैसी ही आ रही है। तो इसके आने का यह मतलब है कि ये भी एक अर्थमेटिक सीक्वेंस ही है, इधर भी गैप एक जैसा ही है हर दो टर्म्स के दरमियान। अब आप इसकी पिछली टर्म निकालेंगे और इसका रूल भी जस्टिफाई करेंगे कि इसमें रूल क्या फॉलो हो रहा है। अब रूल ये फॉलो हो रहा है कि हर टर्म में से आपको ये नंबर जो है एक तरह का जो है ना ऐड कर देना, या आप कह लें एक तरह का सब्ट्रैक्ट कर देना। ऐड इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही हो जाता है, तो एट दी एंड सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ता है ऐड की सूरत में भी। तो अभी मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। तो आप क्या करें कि अगर आप 14 में ऐड करें -3 तो आपको अगली टर्म मिलती है, 11 में ऐड करें -3 अगली टर्म मिलती है, और इसी तरीके से आगे। कैसे, आप देखें पहली टर्म लिखें 14 और इसमें ऐड कर दें क्या -3 को, तो क्या बनता है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, प्लस माइनस माइनस, 14 माइनस 3 कितना होता है, वो होता है 11। देखिए नेक्स्ट टर्म आपको मिल गई। अब 11 के लिए भी ऐसे ही करें, 11 में भी ये डिफरेंस ऐड करके देखें, 11 में ऐड करें कितना डिफरेंस -3, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ताकि साइन चेंज करने में आसानी हो। तो प्लस माइनस माइनस, और 11 माइनस 3 कितना होता है, वो होता है 8। तो देखें आपको अगली टर्म मिल रही है नहीं मिल रही, बिल्कुल मिल रही है। 8 में भी ऐड कर दें -3, तो अगली टर्म मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है। इसलिए मैंने ऐड का लफ्ज़ बोला कि इधर भी हर टर्म में आपको -3 ऐड करने से अगली टर्म मिल जाती है, इसीलिए ये अर्थमेटिक सीक्वेंस भी है, और अर्थमेटिक सीक्वेंस तो तभी पता चल गया था जब इनका डिफरेंस सेम है। अब बस बात रह गई है कि सी को किस तरह निकालेंगे जो T1 से पिछली टर्म है। तो मैंने आपको पिछले पार्ट्स में बताया कि पिछली टर्म निकालने के लिए आपको पहली टर्म में से अक्सर औकात माइनस करना पड़ता है, किस चीज़ को, उस डिफरेंस को जो आपने निकाला होता है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि टर्म बिफोर T1, यानी वो टर्म हम निकालने जा रहे हैं जो T1 से पहले है, और जिसका नाम क्या है T0 टर्म के लिहाज से, और उसकी वैल्यू मैंने किसके इक्वल रखी हुई, सी, यानी ये बेसिकली आप सी ही निकालने जा रहे हैं। तो वो किस तरह निकालेंगे, आपने जिस टर्म की वो पिछली टर्म है उसको पहले लिखेंगे, यानी टर्म नंबर वन जो है 14 के वो पीछे है, तो आप पहले लिखेंगे 14 और इसमें से माइनस कर देंगे, क्या माइनस कर देंगे, जो डिफरेंस आपने निकाला हुआ कितना निकाला हुआ -3, उसको इस तरह ब्रैकेट्स में लिख देंगे -3। अभी हमने पिछले पार्ट में भी सारों में एक जैसा ही प्रोसेस यूज किया, आप उसको देख सकते हैं। अब आप लिखेंगे 14, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो
हो जाएगा 3। अब 14 में 3 ऐड कर दें तो आपके पास कितना आ जाता है 17। तो इससे पता चला कि जो पिछली टर्म सी जिसको आपने लेट करी थी ये क्या हो जाएगी 17। और इसको आप जस्टिफाई भी कर सकते हैं, आप 17 में भी ये डिफरेंस ऐड करें तो आपको 14 ही मिलता है, जो कि हमने रूल अभी समझा है। तो अब आप जनरल टर्म बता सकते हैं आराम से, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जनरल टर्म फॉर्मूला इस सीक्वेंस के लिए, उसको हम किस तरह सपोज किया हुआ है, उसको हमने नाम रखा हुआ है टी एन, एंथ टर्म। तो किस तरह निकालते हैं, सबसे पहले कॉमन डिफरेंस लिखते हैं, कॉमन डिफरेंस कितना है -3, आप लिखेंगे -3, उसको हमेशा एन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आगे एन लिख देंगे, यानी एन इसको मल्टीप्लाई करना ही कहते हैं या साथ लिख देना भी कहेंगे तो भी मीनिंग यही है, यानी -3n। और इसमें हमेशा प्लस कर देंगे ये वाली वैल्यू, सी वाली जो टर्म आपने निकाली है, यानी टी नॉट या टी जीरो निकाली, इसको ऐड कर देंगे हमेशा, तो ये 17, तो ये ऐड कर देंगे। तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला बन गया जनरल टर्म का, वो है -3n+17। तो अब इसमें आप n की जगह पे वैल्यूज पुट करते जाएं, आपको पूरे सीक्वेंस की टर्म्स मिलती जाएंगी और आप अपनी मर्जी की टर्म भी निकाल सकते हैं, यही इसका फायदा होता है। तो यहाँ पर हमारा ये पार्ट फिनिश हुआ, उम्मीद है आपको ये सारे पार्ट समझ आएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सोल्यूशन के।